हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने GST का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है सेक्शन 7.1a, जिसमें शेड्यूल सेकंड के अंदर लिखी हुई ट्रांजेक्शन्स है वो हम रीड करेंगे। उसके अलावा जो सेक्शन 8 है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, वो भी आज हम रीड करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि शेड्यूल सेकंड के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स लिखे गए हैं उसको या तो एज अ सप्लाई गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, सॉरी एज अ गुड्स डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, या फिर एज अ सर्विस डिफाइन किया है। तो इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा इसमें बोला गया है वैसे अपन को भी क्लासीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरा 1 के साथ। पैरा 1 है गुड्स। तो गुड्स के बारे में यहाँ पे तीन चीज़ लिखी हुई है। फर्स्ट थिंग ये है कि अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, लेकिन अगर हम किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करते, उसमें कोई राइट है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर अपना अनडिवाइडेड शेयर, मतलब अगर ABC तीन ने मिलकर एक असेट परचेज किया है, तो अगर ए अपने हिस्से की असेट है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। हालांकि ये गुड्स के जैसा प्रिटेंड होता है, लेकिन इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आता है, अगर कोई हायर परचेज ट्रांजेक्शन है तो ऑल दो उसमें जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होती है उसके बाद में जो असेट है वो सामने वाले की होती है, लेकिन यहाँ पर जब हायर परचेज ट्रांजेक्शन से उसको भी एज अ गुड्स क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट आता है पैरा 2, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी लीज हो गया, चाहे टेनेंसी हो गया, ईजमेंट, लाइसेंस, इन सबको चाहे होली हो चाहे पार्टली हो, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। थर्ड आता है ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस ऑन द अदर पर्सन असेट, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जिसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं जॉब वर्क का, जिसमें दूसरे की कोई गुड्स है उस पर कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर कोई प्रोसेस करके हम दे रहे हैं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट। अगर बिजनेस असेट है कोई भी बिजनेस की, चाहे उसको ट्रांसफ़र करते हैं वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई असेट है उसको हमने प्राइवेट यूज़ ले लिया या फिर किसी बिजनेस के अलावा कोई यूज़ लेते हैं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। एंड अगर कोई पर्सन सीजेस टू व टैक्सेबल पर्सन हो जाता है, देन उसके पास में जितनी भी असेट वो हेल्ड करता है बिफोर सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, वो सारी डीम सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो कि अगर उसने अपना बिजनेस है वो एज अ गोइंग कंसर्न किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर उसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव वो कैरी ऑन करता है बिजनेस को, देन उसको भी देन उस केस में भी उसको डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था, अगर हम देखें शेड्यूल 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस असेट है उस पर हमने अगर ITC लिया, देन उसको ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, देन उसको सप्लाई माना जाएगा भले ही उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल 2 के पैरा 4 के अंदर ये लिखा हुआ है कि गुड्स अगर हमारे बिजनेस के कोई भी असेट है, देन हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं चाहे उसको कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर हम इन दोनों को एक साथ रीड करें तो यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि उस पर ITC लिया गया था, लेकिन शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ITC लिया गया देन उसको ट्रांसफ़र करें तभी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी बिजनेस असेट है उसको अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 2 के अंदर उसको एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हमेशा सर्विस की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो पैरा 5 का सब क्लॉज है बी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने शेड्यूल 3 में रीड किया था कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र होता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, मतलब आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है। लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 5 पैरा 5B हमने वहाँ पे रीड किया था, तो ये पैरा 5B क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या किसी पार्ट का, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन के अंदर एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, ये सब आ जाते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है देन उससे रिलेटेड कुछ भी कंसिडरेशन, चाहे वो होली चाहे वो पार्टली हो, हमें रिसीव हो गया है बिफोर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज़ अर्लियर।
मतलब अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो रिसीव हुआ या फिर उसका फर्स्ट ऑक्यूपाई कर लिया हमने उसको, उन दोनों में से जो अर्लियर इवेंट होगा, इससे पहले अगर कुछ कंसिडरेशन अगर हमें होली पार्टली रिसीव होता है देन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, अदरवाइज उसको शेड्यूल थर्ड के अंदर एग्जाम सप्लाई या आउट ऑफ स्कोप सप्लाई माना जाता है। अब नेक्स्ट कुछ पैरा फाइव के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे गए उनको सर्विस की तरह कंसिडर किया जाएगा। कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम रीड करते हैं, फर्स्ट आता है टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज़ ऑफ एनी इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब अगर हम कोई इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जैसे नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट का यूज़ करने के लिए किसी और को देते हैं फॉर एंड टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, अपग्रेड, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इन सब में से अगर कुछ भी कर रहे हैं देन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन ऑफ टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का मतलब है किसी भी काम को करने से रोकने के लिए कि भाई तू ऐसा ये काम मत कर, उसके लिए अगर हम कोई कंसिडरेशन दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को या फिर कोई टॉलरेट कर रहे हैं एन एक्ट, टॉलरेट का मतलब क्या हो गया, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी और अगर हम पे कर रहे हैं देन एंड और टू डू एन एक्ट, मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं देन इन सब कंडीशन में इन सबको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अगर हम अपनी कोई भी असेट है उसको या गुड्स है उसको किसी और पर्सन को यूज़ करने के लिए देते हैं, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे हम, लेकिन अगर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो भी चलेगा, वेदर और नॉट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड कैश के लिए या फिर डेफर्ड पेमेंट के लिए या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट देन उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है पैरा सिक्स जो ये बोलता है कि दो कंपोजिट सप्लाई ऐसी है जिसको एज अ सर्विस गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। ये कंपोजिट सप्लाई कौन सी, सबसे पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का बोला है। अब यहाँ पे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लेबर भी होता है देन मटेरियल भी होता है देन उसको हम कैसे क्लासीफाई करें, और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट की सर्विस होती है उसको लेके भी बहुत डिस्प्यूट थे। तो इन दोनों को क्लैरिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने पैरा सिक्स में लिखा है कि अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर कोई रेस्टोरेंट फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन एक्सेप्ट द एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, क्योंकि एल्कोहलिक लीकर तो सप्लाई में ही नहीं आता, देन इन दोनों को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है पैरा सेवन जो ये बोलता है कि कोई क्लब या एसोसिएशन है उसने अपने मेंबर्स को कोई गुड्स ट्रांसफ़र किया है देन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। यहाँ पे जो क्लब एसोसिएशन है वो अपने मेंबर को गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो वो यहाँ पे पैरा सेवन में कवर है, लेकिन अगर कुछ सर्विस देते हैं तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ऐसा बोला गया है जहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन दी गई GST में वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल सेकंड ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन एट। सेक्शन एट बोलते हैं हमें कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। तो कंपोजिट या मिक्स सप्लाई किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब ऐसी टैक्सेबल सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई से होता है। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है टैक्सेबल सप्लाई, अगर दो या दो से ज़्यादा सप्लाई है वो टैक्सेबल है तभी उसे कंपोजिट माना जाएगा। इसके अलावा नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए, मतलब कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोग उसको नेचुरली बंडल्ड करके एक साथ में बेचते हैं, ऐसा होना चाहिए। एंड कंजक्शन विद द ईच अदर कंजक्शन में होनी चाहिए एंड उन दोनों में से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए देन उसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती तब भी उसको कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे ट्रीट करेंगे, टैक्सेबल एट द रेट प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब कि उसमें से जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा उसी को हम उसी की रेट से जो पूरी सप्लाई है वो टैक्सेबल होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं लैपटॉप एंड लैपटॉप का जो बैग है वो साथ में सप्लाई होती है, वो कंपोजिट सप्लाई है, देन जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो लैपटॉप है तो लैपटॉप की यहाँ पे टैक्स रेट लग जाएगी। नेक्स्ट आता है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा सप्लाई है एक साथ कंजक्शन में होती है, यहाँ पर नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है सप्लाई और ना ही टैक्सेबल होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाई है गुड्स की या सर्विसेज की जिसको हम कंजक्शन में एक साथ करते हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, मतलब कि जो भी हमें बिल मिलता है उसमें अलग अलग प्राइस नहीं होनी चाहिए, सिंगल प्राइस में होनी चाहिए तभी उसको मिक्स सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन अगर कंपोजिट में उसको क्लासिफाई कर दिया गया तो उसको ऊपर मिक्स की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं।
देन यहाँ पर जो टैक्स रेट लगेगी वो मिक्स सप्लाई में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट रेट है जिस कंपोनेंट की वो यहाँ पर रेट लग जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई हैम्पर है, गिफ्ट हैम्पर, जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक हैम्पर है पूरा, तो उसके अंदर वो मिक्स सप्लाई होगी। अब उनमें से जिसकी भी टैक्स रेट ज़्यादा होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे और उसी से टैक्स लगाएंगे। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उसने क्लेरिफाई किया है कि अगर जो भी यूपीएस और बैटरीज हैं वो मिक्स सप्लाई मानी जाएगी, मतलब ये नेचुरली बंडल नहीं होती यूपीएस एंड उसकी बैटरी, तो उसको हम मिक्स सप्लाई की तरह कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का रिविजन लेक्चर इतना ही। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।